हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च गाजर का सिंपल सा पुलाव, जो सबको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया लेकिन अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज आप भी मुझे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप बासमती चावल लिया है, तो ये छोटे साइज का बासमती चावल है। तो अगर आपके पास बासमती चावल नहीं है तो आप इसके जगह आप नॉर्मल चावल से भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसे अच्छे से धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए मैं रख दूँगी। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसे धो लिया है और मैं इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। इससे पुलाव जो किला किला बनता है। तो इधर मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने रिफाइंड तेल डाला है। अगर आपको घी या बटर में पुलाव पसंद है तो आप उसी में बना सकते हैं। मुझे ये रिफाइंड तेल में पसंद है तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड तेल ही डाला है। तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ खड़ा गर्म मसाला। तो यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च को बारीक टुकड़ों में काट लिया है और 2 मैंने यहाँ पर गाजर को बारीक टुकड़ों में काटा है। सब्जी को मैंने डाल दिया है और मैं इसे 2 से 3 मिनट तक मिलाकर भून लेती हूँ। तो गैस को यहाँ पर मैंने मीडियम ही रखा है। आप चाहे तो अपने मनपसंद सब्जी भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें मैं डालूँगी 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये देखिए, और 1 मिनट के लिए मैं मसालों को मिलाकर भून लेती हूँ। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गया है तो इसमें मैं डालूँगी 8-10 काजू और मिलाकर भून लेती हूँ। अगर आपको इस तरह काजू नहीं पसंद है तो आप फ्राई करके भी ऊपर से डाल सकते हैं। मुझे ये इस तरह से पसंद है तो मैंने ऐसे ही डाला है। अब मैं इसमें चावल को डाल देती हूँ और उसे 1 मिनट तक मिलाकर भून लेती हूँ। चावल को मैं ज़्यादा नहीं मिलाऊँगी, नहीं तो यह टूट सकता है। तो सिर्फ मैं 1 मिनट तक भून लूँगी। तो यहाँ पर चावल है जो अच्छे से भुंजा गया है, तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी से इसका जो फ्लेवर है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपने नहीं इस तरह से बनाया है तो मेरे तरीके से एक बार बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला दिया है, अब पूरी तरीक़े से ये भुंजा गया है। तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो 1 कप चावल में मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी। तो मैंने यह बड़ा वाला गिलास लिया है, उसी से मैंने डाला है। तो लगभग 1.5 गिलास के बराबर वो गिलास है। तो मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। 10 मिनट के लिए मैं इसे ढक्कन से ढक देती हूँ और मीडियम गैस पर इसे पकने दूँगी। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गया है और पुलाव हमारा रेडी हो गया है। ढक्कन को मैं हटा देती हूँ। तो ये देखिए, ये कितना खिला खिला देखने में लग रहा है। तो मैं इसे मिला लेती हूँ, तब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो इसे अपने मन पसंद किस दाल रहता किसी के साथ भी आप इसे खा कर देखिए, आपको ये टेस्टी लगेगा। तो मैंने यहाँ पर दही के साथ सर्व किया है, मुझे ये दही के साथ ही पसंद है। तो दही में मैं थोड़ा सा डालूँगी नमक और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी भुंजा हुआ मसाला। इसके साथ इसका जो फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपने नहीं खाया तो एक बार मेरे तरीके से दही के रायता के साथ खा कर देखे, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक